देश भर में आज क्रिसमस की धूम है। कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार चर्च में लोगों की कम भीड़ नजर आ रही है। आम मुंबईकर्स क्रिसमस का त्यौहार कैसे मना रहे हैं, आइए देखते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने इसका जायजा लिया। पिछले साल के जैसे तो नहीं है, फिर भी जो उम्मीद थी उससे बेटर है, बिकॉज जो हाल था मार्च अप्रैल मई में तो लोगों को ये भी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज बाकी फेस्टिवल्स भी इतने अच्छे से नहीं हुए। उसके हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, क्या रिस्ट्रिक्शन दिए, क्या 11 बजे सब क्लोज करना चाहिए, तो इट्स बिन नॉट बैड। और अच्छा हो सकता था, बट हम सबको सोशल रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए टू सी दैट एवरीबॉडी सेफ। और उम्मीद है अगले साल बहुत ही बढ़िया होंगी क्रिसमस। लाइक हमारे स्कूल में पार्टीज होती थी, लाइक हम फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे एंड ऑल, बट इस ईयर ऑनलाइन हो रहा है एंड इतना इंटरेक्शन भी नहीं है। ज़्यादा अलग है, एज वी ऑल नो मुंबई में कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू 11 बजे के बाद से। तो आप पिछले साल के सब फोटो स्नैप्स देखोगे, यहाँ पर गाड़ी भी आना की जगह नहीं होता और पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डल है इस बार की सेलिब्रेशन। और बहुत ही क्रिसमस वाला वो जो फील होता है ना, वो वाइब्स ही नहीं आ रहे क्रिसमस के। लोगों से जब हमने बात की, उनका कहना था कि सरकार की तरफ से जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उनकी सुरक्षा को हेतु वो काफ़ी सही हैं, और आने वाले समय में जो है सरकार की ओर से उन्हें और सहयोग मिलेगा ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से और रोका जा सके। कैमरामैन मंगेश बिसेक, सौरभ पांडे, जी मीडिया, बॉम्बे। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं ने अटल जी को नमन किया। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूं, नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता, गीत नया गाता। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, संपादक, कवि, सांसद, विदेश मंत्री और फिर तीन तीन बार देश के प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की राजनीति पर जो छाप छोड़ी है वो अमिट है। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। एक लेखक के तौर पर अटल जी ये बात जानते थे कि अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए कविता सबसे असरदार माध्यम होती है। कमल खिलेगा। सीतचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण। राजनीति के आपाधापी से वक्त निकालकर अटल जी की सोच जब कागज पर उतरी तो कविता बन गई। कविता एकांत चाहती है, कविता वातावरण चाहती है, कविता एक तरह का माहौल चाहती है। लेकिन प्रतिदिन भाषण देने की जो मजबूरी है वो कविता को घुमड़ने नहीं देती है, और जब तक बादल घुमड़ता नहीं है तब तक बरसता नहीं है। राजनीति के रेगिस्तान में अटल जी कविताओं की बारिश चाहते थे। अटल जी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि सियासत की मजबूरी के चलते वो अपनी कविताओं को ज्यादा समय नहीं दे पाए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा, फलने देगा विश्व का पौधा, तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा। एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन को कविता के जरिए दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए परिचय नाम की एक कविता लिखी। इस कविता में अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदू छवि को लोगों ने काफी पसंद किया।